मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 22 सितंबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्यता जैसा चल रहे हैं परिस्थितियाँ कार्यक्षेत्र में भी, पारिवारिक स्थिरता की तरफ भी वैसी ही चलती रहेंगी। कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। विशिष्टता अगर आपकी सिचुएशंस में देखूं, पॉजिटिविटी आपको अपनी चीज़ों में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन रुके हुए काम भी आपको तेज़ी के साथ गतिशील तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में या निवेश करने के संदर्भ में अगर आप कुछ प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ फंड्स की वजह से काम रुका हुआ था, तो अब वो भी परिस्थितियां तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं अवसर प्रदान करती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर कर सकता है, अवलोकन करने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थितियों को खुद देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके जीवन में कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही हैं, और अगर आप उसको रिस्ट्रक्चर करके परिस्थितियों को पकड़ के पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करके आगे चलेंगे तो देखेंगे कि आपकी सिचुएशंस इतनी भी बुरी नहीं है जितना वास्तविकता में आपने ओवरथिंकिंग करके बना ली थी। साथ ही साथ आज के दिन आपके द्वारा किया गया अवलोकन कहीं ना कहीं अनबायस्ड और लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप लेकर चलेंगे तो आपकी परिस्थितियों से आप बड़ी ही शीघ्रता के साथ निकल जाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन अपने मन की सुनने की खास तौर पर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिया है। प्रोफेशनल स्थिरता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो फाइनेंशियल्स या आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में आप जद्दोजहद कर रहे थे पिछले एक साल से लगभग, आप कुछ मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे अगर काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो परिस्थिति कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही है। आपका मन शांत हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्थिरता भी आपको चीज़ों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आज के दिन निवेश करने के संदर्भ में कुछ भी अगर आप प्लान करना चाहें तो वो प्लानिंग आपकी शीघ्र कहीं ना कहीं फलदायी होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, और आपको ये भी लग सकता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके एवज में बहुत कम ही आप धन संचय कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विस्तार का या क्या मैं ये कहूं, व्यापारिक विस्तार का समय अब आ चुका है, फैलाव का समय आ चुका है। परिस्थितियां आपकी बेटर चल रही हैं, मन आपका शांत हो रहा है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपनी तरफ से, अपने मन को आप कंट्रोल भी कर पा रहे हैं और अपनी तरफ चीज़ों को ढाल कर लेकर आ भी पा रहे हैं। इसमें प्रॉपर प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है, जहां पर आपके बेटर हाफ या आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही सहायता, राय, मशवरा आपके लिए काफ़ी आज के दिन कारगर साबित हो सकता है। खास तौर पे अगर आप कुछ नया फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्लान आउट करने की सोच रहे हैं तो। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कहीं ना कहीं नवीनता के साथ चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। मन को शांत रखिए, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करिए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही थी उन चीज़ को पीछे छोड़िए। कार्यक्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आनी शुरू हो गई है। कुछ नया निवेश करने की सोच रहे हैं, नया काम किसी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या घर के किसी सदस्य की मदद करते हुए अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, तो आज के दिन इन इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर विचार करने से सबसे पहले आपकी स्थिरता बैलेंस आउट होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन मन प्रसन्न रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ नई परिस्थितियां आपके जीवन में विस्तार का रूप लेते हुए दिखाई देंगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन इमोशनल तनाव को अपने आप से दूर रखना है, मन को शांत रखना है, परिस्थितियों को कंट्रोल्ड करके चलना है। जल्दबाजी रिश्तों में ठहराव के साथ मूव करना है, जल्दबाजी रिश्तों में नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आप इम्पल्सिव एक्शंस आपके हो रहे हैं, इम्पल्स पे आप एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी परिस्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी कंक्लूसिव एविडेंस जब तक आपको ना मिले तब तक किसी भी तथ्य पर ना पहुँचें। खास तौर पे आज के दिन अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ मन को शांत रखिए, विचारों को इंटैक्ट रखिए, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, परिस्थितियाँ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, मन आपका शांत रहेगा। कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके लिए जो बढ़ रही हैं वो वैचारिक तौर पर तो आपको कहीं ना कहीं स्पष्टता और विचारधाराओं को और मजबूत करता हुआ इस समय जाएगा ही जाएगा,
साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पेंडिंग काम भी आप आज के दिन निपटा सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर नया बिजनेस करने की भी कुछ ना कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। परिस्थितियां सिचुएशंस आपके फेवर में आती हुई नजर आ जाएंगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं सिचुएशंस भी पॉजिटिविटी के दायरे में आपका साथ देती हुई आगे चलेंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, तनाव, अवसाद, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को आज के दिन अपने आप से दूर रखिए। शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आप हो रहे हैं तो वहाँ पर परिस्थिति को कंट्रोल करिए। इस बात को सोच के समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि आज के दिन, आज के समय जीवन में कौन से तथ्य, कौन सी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। इस तरह से चलते चलिए, आपकी परिस्थितियाँ पॉजिटिविटी के दायरे में आएंगी। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता अगर आप एम्ब्रेस करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी अपनी चीज़ों में लाना चाहते हैं, तो सुकून के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए या उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ख़ासतौर पर अगर आपको लगता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं तो, क्योंकि इससे आप ही का दिन ख़राब होता है और आप जिस तरह से प्लानिंग करके आगे चल रहे होते हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती हुई नज़र आती है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिविटी के साथ मूव कर रही हैं, मन आपका शांत रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपने मेंटोर से, अपने गुरु से, अपने बड़ों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार का दौर जो स्टार्ट हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं और प्रबलता या कहीं ना कहीं स्थिरता लेकर आएगा। कार्यशीलता में कहीं ना कहीं आपके इजाफा होता हुआ नजर आएगा, पराक्रम कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सामाजिक साख या प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं इजाफा होते हुए नज़र आएगा। कुल मिला के पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, नेगेटिव तथ्यों को अपने जीवन से हटा दीजिए, पॉजिटिव विचारधाराओं पे अब समय आ गया है काम करने का। जीवन के एक नए, आप अगर मैं देखूं, श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, खास तौर पर निवेश करने के संदर्भ में। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप आत्म सशक्त बने, अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालें। ऑन एंड ऑफ तरीके से अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे और अगर आप खाली बैठकर सिर्फ सोचेंगे तो उसमें 90% ऑफ द थॉट अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही आनी है या आपके मन को अशांत करके ही जाएगी। खास तौर पे आज का दिन अगर आप फोकस करते हैं कार्य क्षेत्र में विस्तार के तथ्यों को अगर आप अवलोकन करते हुए जाते हैं, साथ ही साथ आज के दिन बहुत बिजी डे भी हो सकता है अगर आप कंस्ट्रक्टिवली या मैं ये कहूँ ऑर्गेनाइज करके अपने आप को चलते हैं तो। कार्य क्षेत्र में कुछ नवीनता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उनको ग्रहण करने के लिए तैयार हों तो। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रही हैं, मन आपका कंट्रोल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी शंकाओं को दूर करते हुए अपने लिए कहीं ना कहीं एक नया मकाम जीवन में खड़ा कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली, जीवन जीने की पद्धति, लाइफस्टाइल, कुछ ना कुछ आपके वातावरण में भी चेंजेस आ सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आने शुरू हो गए हैं, हेल्थ भी आपकी बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट के दायरे में आ गई है। कुल मिला के ये चेंज, ये परिस्थिति, ये आपके जीवन में आ रहा विस्तार काफ़ी प्रभावशाली आपके लिए साबित हो सकता है। बस अपने मन को शांत रखिए और आगे बढ़ते चलिए। सफलता के आप बहुत नज़दीक हैं या मैं ये कहूँ बहुत करीब हैं। सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर शीघ्रातिशीघ्र आ जाएंगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।